नमस्कार दोस्तों, आप लोग हिंदी सिनेमा देखते होंगे, खासतौर पे आज से 50 साल पहले यानी कि 1970 का 1960 का मूवी आप देखते होंगे। उसमें अक्सर एक कहानी दिखाया करता था, जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता था और अमीर होते जाता था, यानी कि गरीब गरीब हुआ और अमीर बनते चला गया। कारण क्या था दोस्तों, फिल्म में देखा जाता था कि गरीब हमेशा अमीर के द्वारा शोषण किया जाता था, अमीर का एक जाल होता था जिसमें गरीब फंसते फंसते एक दिन मर जाता था और अमीर अमीर होते होते एक दिन राजा बन जाता था। दोस्तों ये हिंदी सिनेमा का कहावत है और बड़ी बात यह दोस्तों सेम टू सेम आज दुनिया में चल रहा है। आप बोलेंगे भाई ये दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में तो कई सारे देश लोकतंत्र है, खासतौर पर कई सारे देश में कम्युनिज्म है, तो वहाँ पे कैसे अमीर गरीब का फासला बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में दुनिया में चाहे कोई भी युद्ध हो रहा हो, दुनिया में कोई भी झगड़ा हुआ है या फिर कोरोना काल आया है, दुनिया में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है, अमेरिका को हुआ है। हाल ही में ये रसिया और यूक्रेन लड़ा है, कई सारे मित्र बोल रहे हैं भाई अमेरिका तो बहुत परेशान है, अमेरिका को बहुत गुस्सा आ रहा है, अमेरिका का इमेज खराब हो गया है। दोस्तों हम लोग केवल अमेरिका की ओर तो झांक रहे हैं लेकिन अमेरिका के समर्थन बोल रहे हैं, अमेरिका का इमेज खराब हो रहा है, अमेरिका कुछ भी कर देगा, अमेरिका चुप क्यों है, आखिरकार अमेरिका रूस से डर क्यों रहा है, यूक्रेन में कूद क्यों रहा है। दोस्तों इस तरह की बातें दुनिया बोल रहा है लेकिन दुनिया के थिंक टैंक और कुछ बुद्धिजीवी को एक बात दिखाई देता है दोस्तों, वो बात क्या है पता है, अमेरिका दिखाता कुछ है कर कुछ रहा है, यानी कि हाथी जिस प्रकार से दो दांत होता है, दिखाने के लिए कुछ होता है खाने के लिए कुछ होता है, अमेरिका भी यही कर रहा है। दुनिया को बोल रहा है देखो भैया हमें गुस्सा आ रहा है, हम रूस को खा जाएंगे, हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त करें। दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका को इतना फायदा हुआ ना आप चौंक जाएंगे, अमेरिका का दोस्तों डॉलर केवल कुछ ही महीने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और यही कारण है कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हुआ है और दुनिया की तमाम करेंसी धराम हो चुका है। दोस्तों जिस प्रकार से तराजू में आप देखेंगे, एक तरफ जहां अनाज बढ़ा दे दोस्तों उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, एक और ऊपर और एक और केवल नीचे आता है, उसी प्रकार से अमेरिका का डॉलर केवल ऊपर जा रहा है और दुनिया करेंसी नीचे हो रहा है। आज देख सकते हैं भारत का रुपया 80 रुपया हो चुका, कितना एक डॉलर बराबर 80 रुपया हो चुका है। दुनिया में यह चल रहा है, अफ्रीका यूरोप यहाँ तक कि दोस्तों चाइना हर जगह हरकम मचा हुआ है, रसिया हर जगह हरकम मचा हुआ है, आखिरकार ये कब तक डॉलर मजबूत होगा। और दोस्तों भारत ने उठाया है अब तक का सबसे खतरनाक फैसला और इस फैसले से अमेरिका चारों खाने धराम हो जाएगा, अमेरिका का डॉलर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका का मोनोपोली टूट जाएगा। और दोस्तों भारत के इस नीति से पूरे दुनिया हैरान है, अफ्रीका के 54 से 55 देश ने ताली बजाते हुए समर्थन कर दिया, बोल दिया कि भारत जो कर रहा है वो भी हम ही करेंगे, हम भी अपना करेंसी को बचाएंगे, अपना जो करेंसी है उसे अमेरिका से बचाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं हुआ क्या है, देखिए आप जानते हैं अमेरिका जिस रफ्तार से मजबूत हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों अमेरिका के डॉलर को कोई मुकाबला तो छोड़ दो, उसको गिरा पाना असंभव सा हो जाएगा। और इसीलिए भारत समझ चुका है कि अगर ये समस्या 10 साल चलता रहा तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया पार हो जाएगा, एक डॉलर बराबर 100 रुपया पार हो जाएगा, फिर हम लोग को बम्पर नुकसान होगा, भयंकर घाटा होगा। इसीलिए भारत ने एक रास्ता अपनाया है, भारत ने ओपनली बड़ा फैसला लिया है, बोला है कि अब हम लोग डॉलर को क्यों ना ख़त्म कर दें, क्यों ना हम लोग अपने करेंसी का ही उपयोग करें। और दोस्तों हाल ही में आप जानते हैं भारत ने ओपनली UPI को बोल दिया था, यानी कि RBI ने ओपनली बोला कि अब दुनिया के कोने कोने तक UPI जाएगा, कोने कोने में UPI से पेमेंट होगा, स्विफ्ट कोड को तबाह बर्बाद करने का एक नया ऑप्शन ला दिया है। दोस्तों दूसरी ओर भारत ने ओपनली कहा है जिस प्रकार से दुनिया के तमाम व्यापारी अपने अपने करेंसी में व्यापार करना पसंद करते हैं, दोस्तों आप अमेरिका में जाइए, अमेरिकी व्यापारी पहले ही टर्म कंसेशन देगा, भैया व्यापार करेंगे तो हम डॉलर में ही करेंगे। दोस्तों आप चीन में जाइए, चीनी व्यापारी पहले ही बोलेगा भाई हम व्यापार करेंगे तो युआन में करेंगे, चीन का जो करेंसी है युआन उसमें करेंगे, पहले आप लोग युआन खरीदिए फिर आपसे हमसे सामान खरीदे, दोस्तों ऐसा है। उसी प्रकार दोस्तों यूरोप में, यूरोप के देश बोलता है भैया हम तो करेंगे यूरो में खास रुपये व्यापार, यानी कि यूरोप का जो करेंसी है यूरो उसी में करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ शुरू से ही एक बहुत सी समस्या रहा है, हिंदुस्तान के लोग हमेशा से बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, पता गलती क्या कर रहा है, हम लोग को हमेशा अपना चीज़ अच्छा लगता है, भारत का चीज़ कमज़ोर लगता है, बोलते भैया ये तो कुछ नहीं है, केवल हम लोग
बाहरी चीज पे अधिक आकर्षित होते हैं। बोलेंगे कैसे दोस्तों, हिंदुस्तान में आज भी अनपढ़ का कम नहीं है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है। चाहे कितना बड़ा आप डिग्री कर ले, MBBS कर ले, इंजीनियर बन जाए, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप मूर्खी कहलाएंगे। कहाँ पे? केवल हिंदुस्तान में। जबकि दोस्तों चाइना में अगर आपको केवल चाइनीज भाषा आता है ना तो आप महान है। इंग्लिश जिसको नहीं आता है दोस्तों वो देशभक्त कहलाता है। जापान में जिसे इंग्लिश नहीं आता है वो देशभक्त कहलाता है, जिसे जापानी आता है वो देशभक्त कहलाता है। यानी कि जापानी बोल लो आप महान कहलाओगे, लेकिन दोस्तों भारत में हिंदी बोल लो तो आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगा, आपको सब सुरक्षा समझेगा। उसी प्रकार दोस्तों भारत का इतिहास रहा है, हर मुद्दे भारत केवल यूरोप से ही सीखता है। हम लोग अभी भी तुलना करते भैया, भारत का जो इसरो है नासा के सामने कुछ नहीं है। नासा जो बोल दे वो परम सत्य है, अटल सत्य है, लेकिन इसरो जो कह दे अरे भाई ये तो अनुमान है। दोस्तों ऐसा हम लोग का मानसिकता बन चुका है, यानी कि हम लोग अपने ही सामान पे हमेशा से हम लोग शक करते हैं, हम अपने हथियार पे शक करते हैं। इसी कारण से हम लोग हमेशा पिछड़ते चले गए हैं दोस्तों, सच्चाई है। और अमेरिका हमेशा आगे निकलते गया है, लेकिन भारत सरकार ने ऑप्शन बनाया नहीं भैया, जो अखंड भारत पहले था, जो सोने का चिड़िया था, उसी को फिर से बनाएंगे। और दोस्तों भारत ने पहले कहा है कि अब दुनिया के तमाम व्यापारियों को अगर व्यापार करना है तो जितना हो सके हमारे करेंसी यानी कि रुपया में कीजिए, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर डॉलर में कीजिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो इससे क्या भारत को फ़ायदा होगा और दूसरा देश क्या करेगा। दोस्तों जितना परेशान हम लोग हैं उतना ही परेशान दुनिया भी है। देखिए पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, उसका तो रुपया दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया दोस्तों लगभग 200 के पार होने वाला है। दोस्तों श्रीलंका का भी वहाँ का जो करेंसी है बर्बाद हो चुका है। दुनिया के हर एक देश का करेंसी बर्बाद हो चुका है, खाली दोस्तों रशिया करेंसी मजबूत हुआ है। वर्तमान में रशिया का जो रूबल है मजबूत हुआ है और अमेरिका का डॉलर मजबूत हुआ है, बाकी सबका करेंसी गिरा है दोस्तों। तो सब चाहता है कि क्यों ना अपने ही अपने करेंसी में व्यापार करें। दोस्तों भारत हर साल अफ्रीका से कम 70 से लेकर 80 बिलियन डॉलर का, जी हाँ दोस्तों पूरे अफ्रीका में 54 से 55 देश है, उससे कम से कम 100 बिलियन डॉलर का हम लोग व्यापार करते हैं। अगर दोस्तों 100 बिलियन डॉलर में केवल 25% यानी कि केवल 25 बिलियन डॉलर हम लोग केवल रुपया में व्यापार कर लिए ना, डॉलर को हम लोग लात मार दिए ना, दोस्तों देखेंगे भारत का जो रुपया का वैल्यू गिर रहा है दोस्तों रातों रात 80 से फिर से 70 आ जाएगा और धीरे धीरे 70 से 60 आ जाएगा। दोस्तों हम लोग चीन से वर्तमान में 125 बिलियन डॉलर का हर साल व्यापार करते हैं। अगर हम लोग केवल 25% रुपया में व्यापार कर लेना तो भारत का जो रुपया है 80 सीधे 50 पे आ जाएगा। दोस्तों भारत को करना क्या है, करना यह है कि अपने व्यापारी को यह करना है भैया देखो तुम लोग 100% में कम से कम 30 से 40% व्यापार भारतीय करेंसी में करो, रुपया में करो। उससे क्या होगा, भारत का जो रुपया गिर रहा है दिन प्रतिदिन वो मजबूत हो जाएगा और जो आज 80 पहुंच चुका है वो बहुत जल्द 50 पे 40 पे ऐसे करते करते 30 पे एक समय आएगा जब 20 पे आ जाएगा। लेकिन हम लोग को पहले कदम उठाना ही होगा। दोस्तों भारत ने ये ऐलान कर दिया है और बड़ी बात यह है अफ्रीका से बड़ा दोस्तों समझौता होने वाला है। आप देखेंगे भारत और अफ्रीका रुपया में व्यापार करने वाले, जी हाँ दोस्तों अफ्रीका का जो करेंसी है और भारत का जो रुपया उसमें व्यापार होगा, दोनों अपने ही रुपया में आदान प्रदान करेंगे। और दोस्तों ये ऐतिहासिक क्षण है, अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका बोल रहा है कि भाई अगर ये संभव हो जाएगा तो फिर तो हमारा मोनोपोली ही खत्म हो जाएगा, हमें कौन मान सम्मान देगा, अरे भाई हमारा डॉलर का कौन इज्जत करेगा, अरे भाई हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। आखिरकार भारत के इस नीति को रोको, लेकिन दोस्तों उभरते हुए भारत को कोई रोक नहीं सकता है। चीन ट्राई किया था गलवान घाटी में, बुरा खास तौर पर उसका हार हुआ, 50 सैनिक उसका मारा गया। इसीलिए भारत से पंगा लेने का आज अमेरिका भी नहीं सोच रहा है और भारत अब कुछ अलग करके ही दिखाने वाला है।